क्या हुआ बेटा? श्रवण तुम ठीक हो ना? फिर से डरावना सपना देखा क्या? हाँ देखा, बहुत ही भयानक सपना था। ये ले पानी पी ले। ओम नमो भगवते रूरु भैरवा भूत प्रेक्षय गुरु गुरु हूं सच्चा ओम रीम रीम ओम लक्ष्मया। देखना सब ठीक हो जाएगा। ये था जेल भय मुक्ति मंत्र। डरावने सपनों से निजात पाना हो तो सोने से पहले इन मंत्रों का एक बार उच्चारण कर लेना। वैसे आप तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त लगते हो, लगता है एक ही केस में अंदर हुए थे। जोल सबने अलग अलग किया है, लेकिन किस्मत से एक ही टाइम इधर पहुंचे, जेल में ही दोस्ती हुई। ओ अच्छा सरवन, अब सो जाओ ठीक है। आओ डॉक्टर। चलिए भाई तांत्रिक जी। माफ करना अंकल, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे तो सोए एक अरसा हो गया। क्यों? जब तक मैं महारानी मंगम्मा की आवाज न सुनूं नींद ही नहीं आती। क्या कहा, सच में महारानी है? हाँ बिल्कुल है। नागमती के साम्राज्य में मैं मंगम्मा देवी का सेनापति था। तो फिर जेल में कैसे आ गया? करीब 7 महीने पहले रानी मंगम्मा के महल में कुछ सरकारी अधिकारी आए थे उनके राजमुकुट को लेने के लिए, जिसे उन्हें साउथ अफ्रीका के एग्जीबिशन में दिखाना था। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप ही नागमती महल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ मैं ही हूँ। हम भारत के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन किस लिए? सरकार ने हमारे देश की भव्यता को विदेशों में दिखाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें भारत के राजाओं के गौरव को प्रदर्शित करने का फैसला किया गया है, और इसलिए रानी मंगम्मा देवी के सर के ताज और उनकी शाही छड़ी को तुरंत हैंड ओवर करना होगा। क्योंकि इस महल का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप वो मुकुट और छड़ी तुरंत हमें लाकर सौंप दें। इसे संभाल कर रखिए, बेहतर होगा कि इतनी रात को आप लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां हजारों लोग मारे गए हैं। ये मंगम्मा देवी का महल है जो पूरे देश पर राज करती थी। मैं बता दूं कि महल में रखी हर एक चीज पर सिर्फ रानी का ही हक है। उन चीजों को चुराने के लिए बहुत बार कोशिशें की गई पर सभी भयानक मौत मरे। इसी वजह से यहां के कलेक्टर ने इस महल के पूरे परिसर को एक वर्जित स्थान घोषित किया था। कलेक्टर के आदेश को हम मना नहीं कर सकते ना, ऊपर से इतनी रात है तो वहां जाना ठीक नहीं। जाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। हर हाल में कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तभी एग्जीबिशन के पहले अफ्रीका पहुंच पाएंगे। रानी के शाही मुकुट और उनकी छड़ी को दुनिया से आए बड़े बड़े लोग देखेंगे, इससे उनकी शौहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। सही कहा, नाम रोशन होना ही चाहिए। महारानी के शौर्य की कहानियां पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। आइए कैसी गंध है? आसपास केवड़े के फूल हैं क्या? इतनी रात को केवड़े का खिलना शुभ संकेत नहीं है। सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है नाग हमारे आसपास ही है। महल का दरवाजा खोलना बेवकूफी होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह आकर वो मुकुट ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सरकारी ऑर्डर है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलिए। जैसी आपकी इच्छा। नागमती का महल बहुत विशाल है, इसमें कुल 16 प्रवेश द्वार हैं। शत्रु चाहे किसी भी रास्ते से यहाँ घुसे, वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाता। महारानी मंगम्मा देवी की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, यही है महल की महारानी। ओ, इस महान साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। आइए चलते हैं। ये रास्ता कोषागार में जाता है, अंदर आइए। ये देवी नागमती का खजाना है जिसे उन्होंने प्रजा की सेवा के लिए बरसों से संभाल कर रखा है। Hey! एक फर्जी लेटर पर तूने भरोसा कर लिया। हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया, खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। Huh?
ए, हमसे होशियारी करेगा। अरे भागो यार, भागो। Oh my God! रास्ता कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी चलो यहाँ से। राधा, पीछे हटो। महारानी, इनसे दूर रहना। ये साम्राज्य के सेनापति चौकन है, इन्हें छूना भी मत। जाओ। चौकन, महारानी, सांप के डसने से मेरी मौत हुई। इस देश की महारानी मंगम्मा हूँ मैं। महारानी, आप अपनी नाग सेना के साथ वर्षों से इस राज्य और महल की रक्षा करती आ रही हूँ। बिना मेरी अनुमति के इंसान तो क्या, हवा भी इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। आपको प्रणाम है महारानी। महारानी, रानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, रानी, महारानी, 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 तो इसका मतलब रानी मंगम्मा देवी नागमती महल के अंदर है और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इस पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब जान जाओगी कि महारानी का जीवन वहां कैसे गुजरा। महल में आपका स्वागत है ज्योतिषी। नमस्कार। लीजिए। पता चला आपने राजकुमारी की कुंडली बदली। उसी के लिए आया हूँ, उसी समय महारानी से मिलना चाहूंगा, उन्हीं को बताऊंगा। अवश्य पधारिए। मंगम्मा देवी को मेरा छत छत प्रणाम। मंगम्मा देवी, राज ज्योतिषी जी हमारी बेटी की कुंडली बनाकर लाए हैं और राज ज्योतिषी जी चाहते हैं कि वो आपके सामने कुंडली पढ़े। इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। आप इस साम्राज्य के महाराजा हैं और मैं इस साम्राज्य की महारानी हूँ। आपको इस तरह मना करना आपका अपमान है। इनका स्वागत करने आप मुख्य द्वार तक क्यों चले गए? ज्योतिष का कार्य ही भाग्य पढ़ना है। ये बताइए, आपको साम्राज्य की सेना और शस्त्रों पर भरोसा है या इस ज्योतिष की लिखी हुई कुंडली पर अधिक विश्वास है? दोनों पर है। इसका कहा एक भी शब्द आज तक सत्य नहीं हुआ है, फिर भी आपको इस पर विश्वास है? इतनी दूर से कष्ट उठा कर आए हैं, उपहार देकर इन्हें भेजिए। महारानी, कोई भी देश तलवार के बल पे नहीं चलता। ग्रह और नक्षत्र उन्हें चलाते हैं। इसे आप मिथ्या या अंधविश्वास न समझें। संसार में क्या होगा, कब होगा, कौन राजा बनेगा और कौन रंग, सबके भाग्य ग्रहों की दिशा ही तय करती है। ऐसे शब्दों में आपको उत्तर देने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मैं विवश हूँ। आपकी बेटी की कुंडली मैंने पढ़ी है और उसमें नक्षत्रों की स्थिति ये बताती है कि इस आने वाली पूर्णिमा से पहले सांप के डसने से इस राज्य की महारानी की मृत्यु होना निश्चित है। आपकी कुंडली भी इस बात की पुष्टि करती है। महारानी, मेरी कोई बात गलत नहीं होती। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो सबके सामने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। महारानी, मेरी मृत्यु आपके हाथों नहीं होने वाली, ये बात मेरी कुंडली में लिखी है। अगर चाहूँ तो इसी पल तुम्हें मार सकती हूँ। सेनापति जी। जी महारानी। पूर्णिमा तक इस पाखंडी को कालकोठी में बंद कर दीजिए। जैसी आज्ञा महारानी। मंगम्मा देवी, ज्योतिषी ईश्वर की तरह पूजनीय है, इन्हें कारागार में डालना उचित नहीं। मेरी तलवार या इस ज्योतिष के नक्षत्र में ज्यादा दम है, मैं खुद उसकी आजमाइश करूंगी। सिपाहियों, इसे कालकोठी में डाल दो। चलिए यहाँ से। आप जल्दबाजी में निर्णय ले रही हैं और आपने जो किया है वो न्याय उचित नहीं है। ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी गलत नहीं होती। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा विवाह होने के पश्चात हम हिमालय के छोर तक राज करेंगे और ठीक ऐसा ही हुआ। आपसे विवाह होने के पश्चात जब हमारी दूसरी पुत्री पैदा हुई तो हमने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की। आज हर जगह हमारा साम्राज्य है। बेटी हमने पैदा की है,
अगर ज्योतिष ना बताता तो हमारी औलाद नहीं होती क्या? आप अज्ञान और अंधविश्वास के गुलाम बन चुके हैं। हर बात को आप किसी न किसी तरह से ज्योतिष से जोड़ देते हैं और उस बात को एक चमत्कार मान लेते हैं। मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए भयभीत हो जाते हैं। आज आपका भय समाप्त कर दूंगी। अगर राज्य में कोई नाग ही नहीं रहेगा तो भय किस बात का? सेनापति जी, महारानी, नागर जाति के लोगों को कल दरबार में उपस्थित। महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी। हमारे साम्राज्य में नागर कबीले के लोग बरसों से रह रहे हैं। ज्योतिष जी ने भविष्यवाणी की है कि एक नाग के डसने से मेरी मृत्यु होगी। जब से ये बात सुनी है महाराज चिंतित हो गए हैं। एक नाग आपकी महारानी को मार सके, इतना साहस आप सब लोग जानते हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मैं ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करती। क्या ये शास्त्रों का कोई षड्यंत्र है? जान बूझ कर ये बात कहलवाई गई है। मुझे अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है। मैं आप सब में से ही एक हूँ। आपके महाराज को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो ज्योतिष पाखंडी है। इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। हमारी सेना के पास दुनिया के बेहतरीन अश्व है, हाथियों का दल है और मेरी तरह युद्ध कौशल से निपुण अनगिनत सैनिक है। हम नाग सेना बनाएंगे और मेरी इस नाग सेना में मैं आप सबको अपना सैनिक नियुक्त कर रही हूँ। जानते हैं किस लिए? बता सकते हैं कि आप लोगों का काम क्या होगा? आप बस हुकुम दीजिए। मार डालो सबको। मेरे साम्राज्य में एक भी सांप जिंदा ना रहे। मेरी आंखों के सामने मार डालो सबको। इस आने वाली पूर्णिमा से पहले यहाँ से सांपों का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। महारानी, आपके लिए एक एक सांप को मार डालेंगे। अपनी सेना के सेनापति आप स्वयं चुनेंगे। सेनापति होंगे नागप्पा। महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी, महारानी मंगम्मा देवी। उस क्षेत्र में रह रहे सारे नागों के शिकार करने का फैसला कर लिया। साम्राज्य के एक एक सांप को ढूंढकर मार डाला है, लेकिन उन दो भयानक दानवीय नागों को मारने की बात तो दूर चोट तक नहीं पहुंचा पाए। दोनों नागों को तोप से उड़ा दो। जैसी आज्ञा सेनापति जी। सारे नागों को तो हमने मार दिया, मगर एक नाग बचकर निकल गया। इन बैलगाड़ियों में क्या सामान आ रहा है? राजमहल के लिए फल और तरकारियां। ठीक है, पहले गाड़ियों की जांच कर लो, उसके बाद इन्हें अंदर जाने। जी नागप्पा। उस बैलगाड़ी में आग लगी है।
आपको भी नाक की गंध आ रही है? हाँ, नाक की गंध आ रही है। कुछ अपशगुन होने का आभास हो रहा है। सेना के एक एक सिपाही को यहाँ बुलाओ। नेवलों को बाहर निकालो। किसी समय मुझे महारानी और सेनापति को चेतावनी देनी होगी। जी मैडम जी। आधी रात हो चुकी है, आप अब तक जाग रहे हैं? ज्योतिषी ने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा मक्कार है वो। बात गलत साबित होने पर उसके मुख पर निराशा का भाव देखने लायक होगा। उम्र भर सो नहीं पाएगा वो। अब उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त कर दूं? इसी समय सेनापति के साथ उससे मिलने जाऊंगी। मैं भी चलता हूं। कौन है बाहर? बोलिए महारानी। राजकुमारी का ख्याल रखो। जैसी आज्ञा महारानी। महारानी आपका यश बढ़े। जी बोलिए। महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आधी रात बीत चुकी है, अब तक उस बेवकूफ ज्योतिष की बातों पर यकीन है आपको? महारानी, हम ज्योतिष की बातों को नहीं मानते, लेकिन आपकी सलामती हमारे लिए सर्वोपरि है। सुबह होने तक हम महल के द्वार पर स्वयं पहरेदारी करेंगे, ये हमारा दायित्व है। तुम्हारा दायित्व समाप्त हुआ, जाकर आराम करो। इतनी जल्दी क्या है, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दो, जाके महल की पहरेदारी करो। आप मेरे साथ चलिए उस ज्योतिष से बात करने के लिए। जो सचमुच सो रहे हो या मृत्यु के डर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं? आओ, मैं अपनी तलवार तुम्हारे सीने में उतारने के लिए आतुर हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, अब तक काफी बहाने सोच लिए होंगे। इस बार कोई नई कहानी सुनानी है?